ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म ढेम किया है उसका ब्राह्मण समाज गिन गिन के बदला लेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भाजपा साफ हो रही है, वही हाल मध्य और पूर्वांचल में देखने को आपको मिलेगा। बंगाल में खेला हुआ यहाँ खदेड़ा होगा। जो पश्चिम बंगाल की स्थिति हुई है वही यूपी की स्थिति होगी। भाजपा को हटा के ही दम लेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सपा कार्यालय के बाहर पूरी भीड़ उमड़ पड़ी है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ बंगाली है उत्तर प्रदेश में, वो पूरे बंगाली समाजवादी की तरफ जा रहे हैं वोट देने। अब 403 सीटों पर विजयी हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर ममता बनर्जी का दस्तक देखने को मिलेगा सपा में, जो समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दस्तक देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है 20 राज्यों में, उनकी सरकार, मेरा नाम दुर्गेश तिवारी, 20 राज्यों में उनकी सरकार एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने का काम नहीं किया है। ममता बनर्जी जी के आने से खास करके ब्राह्मण समाज का भी वोट कहीं ना कहीं समाजवादी की तरफ डाइवर्ट होगा। यह ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म ढेम किया है उसका ब्राह्मण समाज गिन गिन के बदला लेगा। खदेड़ा होगा यहाँ, बंगाल में खेला हुआ यहाँ खदेड़ा होगा। ब्राह्मण समाज को पता कि उत्तर पूरे भारतवर्ष में इकलौती मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज की आदरणीय ममता बनर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले आकर के बता दें कि उनका एक मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का हो, उत्तर पूरे भारतवर्ष में लगभग 12 से 13% ब्राह्मण समाज का वोट है और भारतीय जनता पार्टी को आज तक देता चला आया है। लेकिन ब्राह्मण समाज ने इस बार बदलाव का मन बनाया है, इस बार अपना पूरा का पूरा वोट दीदी के कहने पर, उनके नेतृत्व में हम लोग समाजवादी को जहां तक हो सके पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। अब ममता बनर्जी जी देखे देश में इकलौती ब्राह्मण चेहरा है। आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न किया, उनको साइडलाइन किया संगठन में। आपको भी पता है कि देश के शीर्ष 3 नेतृत्व में न तो गृह मंत्री ब्राह्मण समाज का है, न प्रधानमंत्री है, न वित्त मंत्री है, न आप कह लीजिए रक्षा मंत्री, ब्राह्मण समाज की कोई नहीं है। तो ब्राह्मण समाज के लोग को भी पता है कि हमारी वहाँ पर अवकाश क्या है। ब्राह्मण समाज भी धीरे धीरे जागरूक हो चुका है, उसको पता है कि हमारे नेतृत्व आदरणीय ममता बनर्जी कर सकती है और वो नेतृत्व करने के लिए तैयार भी है। 2024 में आदरणीय ममता दीदी ने जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो कह रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक साधने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा रहेगा। 2024 में ममता दीदी जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, अब भाजपा को हटा के ही दम लेंगी। लोकसभा में यहाँ से लड़ेंगी जी, बनारस से उनका चुनाव लड़ने का मन है। बनारस में चुनाव लड़ेंगी और मोदी को सीधा टक्कर, आप जानती है ममता दीदी का ऐसी नेत्री है तो सीधा टक्कर देना पसंद करती है। अब अगर शायद अगर हमारा संगठन यहाँ मजबूत होता तो दीदी गोरखपुर में ही चुनाव को टक्कर देकर के जाती। हमारी नेत्री में ये खूबी है, हम लोग सीधा लड़ना पसंद करते हैं। अभी शुरुआत कर दी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, संगठन बहुत तेज में चल रहा है, हमारा संगठन मजबूत काम कर रहा है, वो पूरे प्रदेश में पहुँच रहा है। इनकी पार्टी के आने से हमारा दल बहुत मजबूत हुआ है और सपा पूर्ण बहुमत से 22 में सरकार बनेगी, चूँकि ममता बनर्जी जी यहाँ आई है और जो पश्चिम बंगाल की स्थिति हुई है वही यूपी की स्थिति होगी। मैं यही कह रहा हूँ कि जनता भी परेशान है। बिल्कुल हटा रहे हैं, पूरी तरह से साफ कर रहे हैं, हटा ही नहीं रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भाजपा साफ हो रही है। सीएम बनेंगे अखिलेश यादव जी, उन्हीं कमान है, उन्हीं चला रहे हैं। हम बलिया से साइकिल से चल के आया हूँ, साइकिल ही जीतेगी। 400 सीट पूरे विश्व में रिकॉर्ड कायम करेंगे, साइकिल जीतेगी, साइकिल की सरकार बनेगी। साइकिल के लिए वेलकम टू गुड सीएम के लिए, सीएम के लिए पूरे विश्व में रिकॉर्ड हो गया कि मिस्टर घनश्याम यादव 57 क्रांतिकारी धरती से साइकिल चलाकर बलिया। बंगाल में खदेड़ा हुआ था, यहाँ से भी खदेड़ा होगा, तय है 403 सीट पे समर्थन रहेगा। देखिए मैम, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में भी 7 साल देख लिया लोगों ने और पहले भी उनकी सरकार रही है, ठीक है। आपको भी पता, भारतीय जनता पार्टी के भी 17 साल इस देश में हो चुके हैं। जो लोग कहते हैं 70 साल कांग्रेस लूटा है, तो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थन में 17 साल देश में सरकार चल चुकी है। 17 साल उनको भी देख लिया गया है, यूपी में भी 5 साल देखा, उनको 14 साल का वनवास हुआ था, इस बार उनका 28 साल का वनवास होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको 14 साल का वनवास दे दिया था, इस बार उनका डबल वनवास होगा, 28 साल के लिए जाएगा। जनता में उनका कोई काम दिखाई नहीं पड़ता। आप गाँव में चले जाइए, हम लोग भी गाँव से बिलोंग करते हैं, छुट्टा जानवर जा करके रात में किसानों को रखवाली करनी पड़ती है, छुट्टा जानवर, गैस सिलेंडर 1000 की हो गई है, पेट्रोल आप देख रहे हैं शतक मार रहा है, डीजल भी शतक मारने के करीब है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। अब ये जनता को अच्छी तरीके समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मार्केटर कोई नहीं है। मार्केटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जनता में कुछ नहीं करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी कोई नेता हो बता दे, अपने 5 काम उत्तर प्रदेश में गिना दे, मैंने 5 काम क्या किए हैं। तो वहाँ पर जमीन कितनी, जमीन के खरीदारी में कितना घोटाला, उसका बताएं, लिस्ट लाएं, हम जानते हैं। अयोध्या में बिलोंग करता हूँ,
दुर्गेश तिवारी नाम अयोध्या जितनी का बड़ा रुदौली विधानसभा पड़ती है, हम भी परापर सब जानते हैं वहाँ पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाले की पोल वहाँ पर खोलेगी सरकार जब बदलेगी तब। अभी तो ढोल का पोल है, जैसा चल रहा चलने दीजिए, सरकार आ गई तो अच्छी बात है, सबको पता जेल जाना है। अब जेल जाने की तैयारी वहाँ के नेता कर ले, वहाँ के जिन अधिकारियों ने जिन नेताओं ने मिलकर वहाँ घपला किया जमीन की खरीदारी में, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बंगाल एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर पुरानी पेंशन है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे आप पूछिए कि बंगाल में सरकारी पेंशन मिलती है कि नहीं। पुरानी पेंशन उत्तर प्रदेश में खत्म कर दी, क्यों खत्म कर दी गई? ममता बनर्जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। अब ममता बनर्जी की उपलब्धि दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि कि जनता के में सहज और सरल तरीके से उपलब्ध रहती है। आप जाइए बंगाल देखिए, सहज और सरल तरीके से जनता से मिलना संवाद करना, कन्याओं के लिए देख लीजिए उनकी स्कीमें, बेटियों के लिए और शिक्षा के लिए उनकी नीतियाँ देख लीजिए कि लड़का कच्चा 12 पास होते हैं उसको 10 लाख का स्मार्ट कार्ड मिल जाता है। यूपी में कोई काम बताइए, यूपी में काम बताने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले अगर के अपना काम बता दें। अगर आदरणीय ममता दीदी वह यहाँ पर सम्मान निधि में 6,000 मिलता है, बंगाल में 10,000 मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? आपको भी बताओ ना, नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा, यहाँ 6,000 देते हो 10,000 देती है। वहाँ पर एक ममता दीदी के काम के बराबर वो अगर नरेंद्र मोदी काम कर देते तो वो प्रधानमंत्री देश के बने थे भाई। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जाकर के अपनी ताकत लगा दी, लेकिन क्यों चुनाव नहीं हरा पाए? क्योंकि जनता में जो मुद्दे होते हैं मूलभूत मुद्दों से चुनाव लड़ा जाता है, जनता को गुमराह करके जो है चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। जिस तरह से सारी कंपनियां प्राइवेट में चली गई, चाहे रेलवे रहे चाहे कोई भी विभाग रहे, सभी प्राइवेट में चला गया। दहेज का उत्पीड़न हो रहा है और छेड़खानी हो रहा है, विदेश की धारा लग गई है, ऑल इंडिया विदेश होम चीफ मिनिस्टर मिस्टर घनश्याम यादव सतावा बलिया की धरती से। जिस तरह से पश्चिम बंगाल से उन्हें खदेड़ा गया, वैसे ही यूपी से भी भाजपा को खदेड़ा जाए, और यूपी ही नहीं वो दिल्ली तक की बात कर रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है जरूर दीजिए, देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।